इससे बेहतरीन वाइटनिंग और डी टैनिंग के लिए कोई और मास्क हो ही नहीं सकता। अगर आप धूप में जाते हैं या फिर आप किचन में काम करती हैं तो आपको टैन लाजमी होगा। अगर आपको सन टैन हो चुका है या फिर आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है तो एक बार आप इसे ट्राई करके देखें, आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपके फेस पर, बॉडी पर डिसकलरेशन है, अनइवन टोन स्किन है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो आप इस रेमेडी को यकीन के साथ यूज़ करें। आपका कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइट होगा, फेयर होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, शाइन करेगी, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाएंगे और स्किन चमकेगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं मुसर्रत नज़ीर, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर कोई मेरे चैनल पे पहली बार आया है और वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। गैस को ऑन करने के बाद फ्राई पैन के अंदर मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून के बराबर हल्दी और उसको अच्छे से मैं गरम करूंगी, ड्राई रोस्ट करूंगी। मैंने इसको इतना गरम करना है, इतना पकाना है कि ये कलर चेंज कर ले और ब्लैक कलर की हो जाए। मास्क बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक छोटा सा क्यूट सा बाउल और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी। ये वही वाली हल्दी है जो मैंने ड्राई रोस्ट की है, इसने अपना कलर चेंज कर लिया था तो मैंने गैस से उतार के इसको ठंडा कर लिया था। हल्दी के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के बेसन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी स्किन को ब्राइट करने में। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर का। कॉफ़ी पाउडर यूज़ करने से आपकी स्किन से पिगमेंटेशन रिमूव हो जाएगी, डार्क स्पॉट्स रिमूव होंगे और स्किन ग्लो करेगी। इसमें ऐड करेंगे अब हम 1 टेबलस्पून दही का। अगर आपको दही थोड़ी कम लगे तो आप थोड़ी सी और भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके पिम्पल्स को ख़त्म करेगी, आपकी स्किन और पोर्स को टाइट करेगी, डेड सेल्स को रिमूव कर देगी। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर ग्लिसरीन। अगर आप ग्लिसरीन से कंफर्टेबल नहीं है तो आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं। सारी ही चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये एक मास्क बन जाए। और यहाँ पे हमारे पास मास्क बनकर रेडी हो चुका है, कुछ इस कलर का। आप इसको हाथ पाँव पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये उन्हें फेयर करेगा और ब्राइट करेगा। मास्क जो मैंने अभी बनाया है इसे अब फेस पर लगाने की बारी है। मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ और अब मैं इसको अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पे। आपने अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है। आप चाहें तो इसको नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप हाथों पैरों पर भी यूज़ कर सकते हैं और बॉडी के किसी भी पार्ट पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपने बेस्ट रिज़ल्ट के लिए वीक में इसको 2 बार लाजमी इस्तेमाल करना है। पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट तक फेस पर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ये हल्का सा सूखेगा तो आपने हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है और वॉश करना है। जैसे ये ड्राई होने लगे, 1-2 मिनट की हल्के हाथों से मसाज करने के बाद इसको अपने फेस से मैं यहाँ पर उतार रही हूँ और इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट हैं, इतने कमाल के रिजल्ट हैं, जैसे मेरे मुँह से वाओ निकल रहा है, आपके भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। क्योंकि इसके रिजल्ट हैं ही इतने कमाल के, नीचे से आपकी स्किन जो निकलेगी ना वो ग्लो करती हुई निकलेगी, जैसे कि मेरी स्किन अभी ग्लो कर रही है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मेरी स्किन ब्राइट हुई है, फेयर हुई है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई हूँ इसके रिज़ल्ट देखकर। आप भी खुश होने वाले हैं जब आप इसको अप्लाई करेंगे। और मैंने अपने फेस को पूरा वॉश कर दिया है और अभी आपके सामने मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ। वीक में आप इसको 2 बार यूज़ करें, आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी, आपके डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपकी स्किन फेयर हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाए ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।